नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। राजधानी पटना में आज बड़ी खबर, जहां पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे और इस कार्यालय में पहुंचने के ठीक बाद मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बिहार के जदयू प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला पहुंचने लगा है। थोड़ी देर पहले पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जदयू कार्यालय पहुंचे हैं और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला इस वक्त जदयू कार्यालय पहुंचने लगा है। आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जदयू कार्यालय पहुँच रहे हैं। और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी पहुंचे, यानी कि कुल मिलाकर स्थिति बहुत साफ है कि पूर्व डीजीपी आज जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे और मुख्यमंत्री सदस्यता दिलाएंगे। तो आपको बता दें, इस वक्त जदयू प्रदेश कार्यालय में गहमा गहमी है और इस गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री का काफिला थोड़ी ही देर में बस पहुँचने वाला है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के कारकेट जदयू कार्यालय से होकर गुजरती हुई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बस जदयू कार्यालय पहुंच गए हैं। और आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बस थोड़ी देर पहले ही प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और जहां मुख्यमंत्री उन्हें सदस्यता दिलाएंगे, यानी कि खादी ग्रहण। आप देखिए, मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए प्रदेश कार्यालय में पहुँच चुके हैं। काफ़ी गहमा गहमी का माहौल और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश कार्यालय जदयू में मुख्यमंत्री का काफिला और मुख्यमंत्री पहुँच गए, जहाँ पर डीजीपी पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को सदस्यता दिलाएंगे। यानी कि आज की बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर, राजनीतिक खबर, जहां मुख्यमंत्री इस वक्त प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आज सदस्यता दिलाएंगे और आज से राजनीतिक आगाज हो जाएगा। और मुख्यमंत्री उतर गए हैं, आप देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन पर। और ये मुख्यमंत्री सीधे प्रदेश कार्यालय, हाँ, कोई बात नहीं हुई। मैं अभी कुछ तय नहीं किया हूँ, तय करूंगा तो बताऊंगा। मैं तय करूंगा तो बताऊंगा। मैं तय करूंगा तो बता दूंगा। तय करूंगा तो बताऊंगा। स्वतंत्रता काम करने की दी, मुझे पूरा आशीर्वाद दिया, धन्यवाद करने आया था। कोई राजनीतिक बातचीत नहीं है, क्योंकि मैं तो प्राइवेट आदमी हूँ। सामने देखो भैया, इधर देखे सकता हूँ। कैमरा कहीं नहीं। सर ज्वाइन कब कर रहे हैं? इस बारे में कोई अभी फैसला नहीं है। बक्सर से बता दीजिए दोनों से, बीजेपी या जेडीयू? कोई फैसला नहीं लिया। लोकसभा या विधानसभा? तो इस एक तरीके से राजनीतिक सियासत गर्म हो जाती है। ऐसा लगने लगा था कि डीजीपी आज एक बार फिर राजनीतिक रूप से सदस्यता ग्रहण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डीजीपी आधे घंटे तक रुके और आधे घंटे के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात कर वो चले गए। हालांकि इस बीच आनन फानन में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ऐसा भविष्य में कुछ भी होगा तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन अंदर क्या कुछ मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, ये पता नहीं चल पाया। ना तो पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बताया, लेकिन जिस लहजे में वो आए थे ऐसा लग रहा था कि जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और सूत्रों की माने तो वाल्मीकि लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तो पूरी तरीके से मीडिया के सामने उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ना ही आज जो जदयू की सदस्यता लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब राजनीतिक सियासत थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है और इस सियासत के साथ ही शुरू हो जाता है कि आखिर डीजीपी ने अपना त्याग पत्र क्यों दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों ली और अब आगे उनकी रणनीति क्या होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो एनडीए में शामिल होंगे और एनडीए में किस दल के साथ जाएंगे ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन आज राजधानी पटना के प्रदेश कार्यालय में जिस तरह से गहमागहमी हुई, ये साफ हो गया कि पूर्व डीजीपी जल्द ही राजनीतिक रंग में, राजनीतिक क्षेत्र में नज़र आएंगे। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।